नमस्कार। कभी कभी हम लोग अपनी जिंदगी में ऐसी रेस चुन लेते हैं जिसमें हम भागते चले जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन हम जीत नहीं पाते। और सच यह है कि जिस दिन हम भागना छोड़ देते हैं ऐसी चीजों के पीछे, हम रेस जीत जाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ अपने दिन को बेहतर ढंग से, अपने पलों को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करनी है, बगैर किसी रेस का हिस्सा बने। और आप यकीन मानिए, जिंदगी की कोई रेस आप नहीं हारेंगे अगर आप हर दिन को बेहतर ढंग से प्लान करते हुए चलेंगे। तो ज्योतिष गुरु के साथ ऐसी ही प्लानिंग का समय आ चुका है, आज भी आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु के साथ सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में, फिर जानेंगे हम और आप अपने आज के दिन के बारे में और नोट करेंगे कुछ अचूक टिप्स ज्योतिष गुरु के बताए हुए। पहले पंचांग, आज 5 मार्च 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। दशमी तिथि है दोपहर 1:19 तक और उसके बाद एकादशी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है दोपहर 11:26 तक और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 4:55 पर। आज भद्रा है 12:39 से और उड़ीसा में मनाई जाने वाली फागु दशमी है। आज 5 मार्च 2020 को विद्या आरंभ करने का मुहूर्त है, 6:42 से 6:59 तक। अन्नप्राशन संस्कार का मुहूर्त है 11:26 से 11:19 तक। और नामकरण संस्कार और मुंडन संस्कार का मुहूर्त है 11:26 से 6:59 तक। तो मेष और वृषभ, कैसा है आपका आज का दिन और कैसा हो सकता है? तो आपके दिन में आज सबसे जरूरी है पहले यह समझना कि आप करने क्या जा रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए आपको, किन चीजों में फायदा हो सकता है और उससे पहले आपका आज का दिन कैसा है। तो भाग्यफल जानिए, फिर करना क्या है उसे नोट कीजिए। मेष राशि वाले ही समझ लें कि अपनी कार्य क्षमताओं पर शक करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छी भली स्थिति भी व्यर्थ में कमजोर पड़ती चली जाएगी। खुद पर भरोसा करने से इंसान बहुत कुछ कर पाता है और बहुत कुछ हासिल भी कर पाता है। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घबराहट को दूर कर देने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? उस अच्छाई और उस आशीर्वाद की ओर देखें जो आपके लिए भरपूर बना हुआ है। सिर्फ एक चीज से बचना होगा कि जल्दबाजी में कदम उठाने से नुकसान हो सकता है। इसलिए भी आपको किसी भी तरह के बदलाव को करने से पहले एक बार फिर सोच लेना होगा। साथ ही साथ आपको अपने हालात को बेहतर करने के प्रयास भी करने ही पड़ेंगे। क्या ना करें समय में? रोजमर्रा की मुश्किलों के चलते आप अपनी घबराहट को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसलिए अपने अंदर कोई ऐसी नकारात्मकता न उत्पन्न होने दें जिसका बुरा असर आपकी अच्छी भली कोशिशों पर पड़ता चला जाए। वृषभ राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सा भरोसा बनाए रखना होगा और उस अच्छाई को समझने की कोशिश करनी होगी जो आशीर्वाद के रूप में आपके लिए बनी हुई। उस अच्छाई का ही यह असर है कि आप अपने पैसे की जरूरतों को भली भांति पूरा कर पा रहे हैं, जिसमें आपके कामकाज की जरूरतें और आपके घर परिवार की जरूरतें भी शामिल हैं। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों को अपना दोस्त समझेंगे तो बहुत सारी परेशानियां संभल जाएंगे और अपनों को अगर आप पराया मान लेंगे तो व्यर्थ के फासले बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपने रिश्तों को किस रूप से आप संभाल पाते हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी अच्छे निवेश का जो भी मौका मिले उसे हाथ से न जाने दें, पर फैसले करने से पहले अपने मन में धैर्य बनाएं ताकि एक बार फैसला करके फिर बार बार उसे आपको बदलना ना पड़े। देखिए, अगर फैसला लें तो फिर पूरे धीरज के साथ उसे एक्सेप्ट करें। बार बार फैसला बदलना भी अच्छा नहीं होता। सवाल लेते हैं। सवाल है प्रिया कुमारी का। 12/10/2002 आरा में इनका जन्म हुआ है बिहार में। 1:17 दोपहर। 9th class में है, अगले साल बोर्ड है। आपसे जानना चाहती हैं कि कौन सा करियर इनके लिए अच्छा होगा जिसके लिए ये तैयारी शुरू करें। प्रिया, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बुध की 7/2020 तक। अभी आप 9th class में हैं। 2021 में जब आप 11th class में जाएंगी तो आपने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो आपको आगे चल के मदद करें। तो देखिए, साइंस नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ आपको आगे बढ़ने का विचार बनाना चाहिए, वही आपको मदद करेगा। तो साइंस नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ आपको अपनी 11th से पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे आपके करियर का एक रास्ता बनेगा उस पढ़ाई के साथ। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात कर लेंगे मिथुन और कर्क आपकी। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन? क्या करें क्या बिल्कुल ना करें? मिथुन राशि वाले खुद पे थोड़ा सा भरोसा करेंगे तो आपकी मेहनत उभर कर आएगी और आप बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने के रास्ते पर चल निकलेंगे। ये और बात है कि उस अच्छाई को पूरी तरह से उभरने में फिर भी थोड़ा सा वक्त लग जाए।
फिर भी यह समय अच्छा है जिसके चलते आप एक अच्छी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। क्या करना चाहिए समय? कामकाज की स्थिति को बढ़ावा देना होगा और नई संभावनाओं को टटोलना होगा, उसी के चलते आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन से जुड़े जो भी बनते बिगड़ते हालात हैं उनका बुरा असर अपनी कोशिशों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। आपकी मेहनत अच्छी है जिसे बनाए रखा जा सकता है, इसलिए कोई भी ऐसी वजह ना बनने दें जिसके चलते लोग आपको किसी पैनी दृष्टि से देखें। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि जो चीज सामने नजर ना आ रही हो उसके लिए भरोसा करना मुश्किल होता है और पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात परेशान रह सकता है। आप तो इस समय वैसे ही कुछ ज्यादा सोचकर भावुक होते चले जा रहे हैं और छोटी छोटी बातें भी आपको बड़ी लग रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के ऐसे तकरार से बचना होगा जो व्यर्थ में आपकी मुश्किलों को बढ़ाए, कामकाज का क्षेत्र हो या आपकी गलत फहमियों से जुड़ा कोई मुद्दा हो। थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलने से ही बात आपकी पकड़ में रहेगी। क्या ना करें समय में? चाहे आपकी उत्तेजना हो या आपकी गलत फहमियां, रोजमर्रा की परेशानियों को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा, यहाँ तक के रोजमर्रा के खर्चों को भी इतना ना बढ़ाएं कि उसका बुरा असर आपकी बचत पर या आपकी आर्थिक समृद्धि पर पड़ता चला जाए। तो अपने रोजमर्रा के खर्चों पर आपको काबू पाना है, उन पर नियंत्रण बनाए रखना है, जरूरी है। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए आज के दिन के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, ये नोट कीजिए राशिफल के साथ, क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वाले अपनों के लिए हर तरह से जागरूक हैं, पर उनकी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने में आपको मुश्किल पेश आ रही, इसलिए आपकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि आप हालात को कैसे संभाल पाएं। क्या करना चाहिए समूह? अपनी अच्छाई को हर रूप से बनाए रखें और आपको अपनों का हर तरह से साथ मिला रहेगा। लोगों की बात को ज्यादा सुनना और उन्हें समझने की कोशिश करने से ही रिश्ते संवरते हैं, आपको भी इस समय इसी तरह का प्रयास करना होगा। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में पैसे की अहमियत होती है, पर इस समय पैसे को इतनी भी अहमियत ना दें कि आपकी मानसिकता बिगड़नी शुरू हो जाए। जिंदगी के उतार चढ़ाव को कबूल कर लेना चाहिए, इसलिए हर चीज को कमी की नजर से देखकर आप लोगों से कहीं उलझते ना चले जाएं। कन्या राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन बनी रहेगी तो बहुत कुछ संभला रहेगा और आप किसी भी तरह के परिवर्तन से बच पाएंगे। इस बात को समझ लें कि कोई भी परिवर्तन इस समय आपके लिए नुकसान की स्थिति बना सकता है, जिससे बचकर निकल जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? जिंदगी की खुशियां बनाए रखने के लिए अपनी कोशिशें बनानी ही पड़ती हैं और अपने आलोचनात्मक होते हुए रवैये को भी संभालना ही पड़ता है। इस बात की अहमियत को समझते हुए ही आप अपने नुकसान को संभाल पाएंगे। जिंदगी ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, इस अच्छाई को भी समझ लेने में ही फायदा होगा। क्या ना करें इस समूह में? कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो व्यर्थ में आपका नुकसान करता चला जाए। लोगों से तालमेल बिगड़ेगा तो भी कोई ना कोई बात बिगड़ती ही चली जाएगी, इसलिए कामकाज के क्षेत्र में भी कोई ऐसी परिस्थिति ना बनने दें जो आपको नुकसान की ओर ले जाती चली जाए। ऐसी कोई परिस्थिति मत बनने दीजिए कामकाज में, खासतौर पर जो आपको किसी नुकसान की तरफ धकेले। थोड़ा सा जागरूक रहिएगा इस बात को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं हम सवाल के साथ। सवाल है हमारे सामने विभोर गुप्ता का, 30/6/1981 अजमेर में हुआ है इनका जन्म, 1:35 AM। विदेश में नौकरी करना चाहते हैं लेकिन जब भी ऐसी कोई जॉब मिलती है तो मामला बन नहीं पाता, वो समय टिक नहीं पाता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे होते हैं कि बात नहीं बन पाती है, कभी कंपनी बंद हो जाती है, कभी इन्हें हटा दिया जाता है। क्या करें? क्या इनको अपना बिजनेस करना चाहिए? अभी तक शादी भी नहीं हुई है। विभोर, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की जुलाई 2021 तक। कैरियर बहुत अनस्टेबल है, क्या बिजनेस कर लेना चाहिए, ये सवाल आपने पूछा है। देखिए, बिजनेस अभी करना नहीं है और अप्रैल मई 2020 में जो जॉब मिले उसे ले लें, उसी के माध्यम से आपके 2021 में हालात और ज़्यादा सुधरते चले जाएंगे। देखिए, अप्रैल मई 2020 में आपको जॉब मिल सकती है तो सबसे पहले अपना करियर बना लीजिए, उसे मजबूत बना लीजिए, फिर शादी का ख्याल अपने मन में लाइएगा। अभी अपने करियर पर फोकस कीजिए, मौका मिलने वाला है आपको बहुत जल्द। अब आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि, आपके लिए आज के दिन में क्या क्या मौके हैं और उन मौकों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपने पक्ष में करना है, उसके लिए कैसे हमें अपनी तैयारी मजबूत रखनी है, तो हम आपको बताएंगे आपके राशिफल के साथ कि आप क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को रिश्तों के प्रति तवज्जो बढ़ानी होगी और अपने बड़े बुजुर्गों की आलोचना को भी इस रूप से देखना होगा कि वो भी आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं या आपके लिए अच्छा ही करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? प्रेरणा अच्छाई से भी मिलती है और परेशानियों से भी मिलती है। ये समय आपकी
मानसिक दुविधाओं को दर्शा रहा है और उस चीज से भी प्रेरणा ले लेने की जरूरत है ताकि कुछ ना कुछ अच्छा किया जा सके। क्या ना करें इस समय, कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह की गलतफहमी ना उत्पन्न होने दें और उस गलतफहमी के चलते आप कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसे वापस खींचना मुश्किल हो जाए। जिंदगी के सुख और सुकून को बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। अपनी सूझबूझ को कम कर लेना ऐसे में ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि हर छोटी बात को लेकर परेशान होते चले जाने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसा करने से अपनी अच्छी भली स्थिति भी कमजोर लगनी शुरू हो जाती है। लगता है आप भी अपनी तकदीर को इसी वजह से कोसते चले जा रहे हैं जबकि उसका कोई वाजिब कारण नहीं। क्या करना चाहिए समय में, कई तरह के ऐसे विकल्प हैं आपके सामने जो आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे सकते हैं। आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है जो आपके लिए जिंदगी के नए रास्ते खोले। हो सकता है आपको लगे कि आपके प्रति लोगों के व्यवहार में कमी है, पर इसी तरह के विचार बनाने से मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। क्या ना करें इस समय में, कामकाज से जुड़े जो भी दबाव हैं उसकी वजह से आप अपनी चिंताओं को ना बढ़ाएं। कई चीजों को एक साथ छेड़ने में समय भी लगता है, इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपने अपनी ओर से कोई कमी रखी। देखिए, कोशिशें आपकी ठीक हैं लेकिन कुछ चीजों को फलीभूत होने में, मटेरियलाइज होने में थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ा धैर्य इस समय आपसे मांगता है समय। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर आपकी। धनु राशि वाले ही समझ लेंगे लोगों के प्रति किसी भी तरह का विश्वास बनाते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों की गलतियां निकालना शुरू कर देंगे जिसका बुरा असर आपकी अपनी मानसिकता पर पड़ेगा जो नकारात्मक होती चली जा रही। ऐसा करने से अपनी कोशिशों को बनाए रखने में भी मुश्किलें आन खड़ी होंगी। क्या करना चाहिए समूह, जिंदगी में भरोसा उतना ही होना चाहिए जो आपकी सूझबूझ बनाए रखे। जरूरत से ज्यादा भरोसा बनाए रखने से भी गलती हो जाने का अंदेशा है। किसी की बातों में आकर अपना पैसा जरूरत से ज्यादा कहीं लगाते चले जाने से बचना होगा। क्या ना करें इस समय, कामकाज की स्थिति कुछ इस रूप से बन रही है जिसमें नियमित हो जाने की जरूरत है, इसलिए अपने लाभ को देखकर आप पुरसुकून ना हो जाएं। अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन ले आएं क्योंकि अपनों के नजरिए को गलत ठहराते चले जाना भी ठीक नहीं। मकर राशि वालों को सेहत की ओर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर कोई चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही तो उसके बारे में छानबीन करनी होगी। आपकी सेहत ठीक है पर ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोचकर अपनी मुश्किलों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। फिर भी अनुशासित दिनचर्या बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समय में, किसी यात्रा का विचार हो सकता है आपके मन में जिसमें जरूरत से ज्यादा भी पैसा लगता चला जाए, इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी तरह का कदम उठाने से बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय, रोजमर्रा की चुनौतियों को नजरअंदाज करते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। खुद को सही साबित करने के प्रयास में भी जिंदगी की बाकी चीजों की ओर लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं। खुद को सही साबित करने के प्रयास में बाकी चीजों के प्रति या बाकी लोगों के प्रति आपको लापरवाही बरतनी बिल्कुल शोभा भी नहीं देती और आपको ऐसा करना भी नहीं है। कुंभ मीन राशि, अब आपका राशिफल जानेंगे ज्योतिष गुरु से और साथ ही साथ आज के दिन की तैयारी आप तक पहुंचाएंगे टिप्स में। कुंभ राशि वालों को रिश्तों के प्रति भरोसा बढ़ाना होगा, तभी जाकर जिंदगी का सुख और सुकून आपको पूरी तरह से मिल पाएगा। कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जो बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखा रहा है और जो आपकी चिंताओं का कारण भी बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में, देखिए इस समय की प्राथमिकताएं काम और काम से जुड़े लाभ की ओर बनी हुई हैं और इस ओर भी बनी हुई है कि आप उस लाभ को कैसे बचा पाए, इसलिए भी रिश्तों के प्रति थोड़ी सी लापरवाही बढ़ती चली जा रही है। जिंदगी का तालमेल बनाए रखने के लिए हर पहलू की ओर नजर दौड़ाए रखने की जरूरत है। लोगों से मिलती हुई मदद की वजह से भी आप किसी बिगड़ते हुए रिश्ते को संभाल सकते हैं। क्या ना करें इस समय में, अपने साथी सहयोगियों से कोई ऐसी उलझन ना पैदा करें जिसे संभालना मुश्किल होता चला जाए। पर इस सारे खेल में ज्यादा गलती आपकी नजर आ रही, इसलिए भी आप खुद को सही साबित करने के प्रयास में अपनी मुश्किलों को बुलावा ना देते चले जाए। मीन राशि वालों को घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपनी भावुकता को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी और किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के प्रयास में घर परिवार में अपनों से दूरियां बनाते चले जाने से भी बचना होगा। क्या करना चाहिए सब, बड़ी सफलता पाने का समय है, इसलिए आपको हर एक से तालमेल बनाए रखना होगा। ये समय लोगों की नाराजगियां दर्शा रहा है जिसके चलते आपकी अच्छी भली स्थिति में भी कोई ना कोई कमी बनी रह सकती है, इस बारे में भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में, घर परिवार में अपनों की सेहत को नजरअंदाज ना करें, इसलिए अपने काम की व्यस्तता से भी अपनों के लिए थोड़ा सा समय निकाल लें ताकि आपकी ओर से कोई भी कमी ना रहे।
व्यस्तता है, लेकिन व्यस्तता के साथ साथ आपको अपनों पर भी ध्यान देना ही होगा, वो बहुत जरूरी है, समय निकालना होगा आपको। तो ज्योतिष गुरु, अब तो समय इस बात का भी आ गया है कि ये जान लिया जाए आपसे कि जैकपॉट में आज किस राशि के नाम क्या उपाय निकल कर आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि रिश्तों की अच्छाई भरोसा बनाए रखने से ही बनती है, और ये समय कुछ ऐसा है जो आपके भरोसे को कम करता चला जा रहा है, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और खुद को दुखी करते चले जा रहे हैं। इसी चीज से बचकर निकल जाने की जरूरत है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि बिना वजह की चीजों के पीछे बहुत भागना नहीं चाहिए। रेस आप तब जीतते हैं जब आप भागना बंद कर देते हैं ऐसी चीजों के पीछे। तो फिलहाल अपने समय को ढंग से जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका आज जो आपके सामने है ये आपके हाथ में है, इसे आपने ढंग से जी लिया, जिंदगी बन गई, हर रेस के विजेता आप बनेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। आज फिलहाल यहीं तक, कल फिर मिलेंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।